तो दोस्तों आज मैं कल का मैच आरसीबी बनाम किंग्स इलेवन पंजाब के बारे में कुछ अहम बात बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। वक्त ऐसा था जब विराट कोहली एक रन पर आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तब गावस्कर ने कुछ ऐसी टिप्पणी की जिससे विवाद हो गया। सुनील गावस्कर ने विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा पर विवादित टिप्पणी कर दी। इसे लेकर विराट कोहली के फैंस सुनील गावस्कर पर भड़क गए और बीसीसीआई से उन्हें कमेंट्री से हटाने की मांग कर दी है। विराट ने इस मैच में 17वें ओवर के दौरान डीप स्क्वायर लेग पर केएल राहुल का कैच छोड़ा। उस समय राहुल 83 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद 18वें ओवर में जब केएल राहुल 89 रन पर थे, तो आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर से उनका कैच छोड़ दिया। राहुल ने दोनों जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया और 69 बॉलों पर 132 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि किसी भी खिलाड़ी को अपमान नहीं करना चाहिए, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि किंग कोहली वर्ल्ड के नंबर वन बैट्समैन और टॉप क्लास फील्डर के हिसाब से चुने जाते हैं। दोस्तों सुनील गावस्कर को विराट कोहली से अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो तक आप लोगों से यही विनती है कि आप हमारे नेशनल स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस को पाते रहें। और हाँ दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।